सो आज का टॉपिक है द एज ऑफ रिवॉल्यूशन 1830 टू 1848। देखिए इस टॉपिक में हम समझेंगे उन रिवॉल्यूशंस के बारे में जो कि 1830 से 1848 के बीच में हुआ। इस टॉपिक के थ्रू हम ये चीज डिस्कस करेंगे कि जो रिवॉल्यूशन हुआ उसका नेचर क्या था, ठीक है, वो किस तरह का सर्कमस्टांसेस यूरोप में क्रिएट कर रहा था, डिमांड्स क्या लेकर रहे थे इन रिवॉल्यूशंस से, तो ये सारा चीज हम डिस्कस करेंगे इस टॉपिक के थ्रू। तो चलिए टॉपिक को शुरू करते हैं। As conservative regimes tried to consolidate their powers, liberalism and nationalism came to be increasingly associated with the revolution in many regions of Europe, such as Italian and German states, the province of Ottoman Empire, Ireland and Poland. तो जैसा कि आपको याद होगा कि 1815 के बाद का जो टाइम पीरियड था, 1815 के बाद का जो टाइम स्पैन था, उसमें कंजर्वेटिव्स जो थे वो अपने फुल पावर पे थे, ठीक है, उन्हीं का उस समय राज्य था। और साथ ही जो कंजर्वेटिव रिजाइम था, यानी जो कंजर्वेटिव्स का सिस्टम था, वो भी खुद को स्ट्रांग बनाने की कोशिश में लगा हुआ था, यानी खुद को खूब ताकतवर बनाने की कोशिश में लगा हुआ था। और इधर साइड क्या हो रहा था कि यूरोपियन सिटीज लाइक जर्मन एंड इटालियन स्टेट्स, ओटोमन एम्पायर के कुछ स्टेट्स, आयरलैंड, पोलैंड, ये सब रीजंस में क्या हो रहा था कि आइडिया ऑफ लिबरलिज्म यानी आजादी, और आइडिया ऑफ नेशनलिज्म यानी देशभक्ति की भावना, जिसमें क्या छुपा था, आइडिया ऑफ नेशन स्टेट, ये छुपा हुआ था। तो आइडिया ऑफ लिबरलिज्म और आइडिया ऑफ नेशन स्टेट को साथ में जोड़कर रिवॉल्यूशन में देखा जाने लगा। मतलब इसका मतलब क्या था कि 1830 से 1848 के बीच में जो भी रिवॉल्यूशन हो रहे थे वो आइडिया ऑफ लिबरलिज्म यानी आजादी और आइडिया ऑफ नेशनलिज्म यानी देशभक्ति की भावना से प्रभावित थे, इन्फ्लुएंस्ड थे। यानी जो रिवॉल्यूशन कर रहे थे 1830 से 1848 के बीच में, उनका डिमांड था कि भाई मुझे मेरी लिबर्टी वापस करो, यानी मेरा जो आजादी है मेरे को दे दो, और साथ ही क्रिएशन ऑफ नेशन स्टेट यानी एक राष्ट्र की स्थापना हो। तो यही क्या था भाई, रिवॉल्यूशन जो उस समय हो रहा था उसका नेचर था, ठीक है। तो इस पैराग्राफ से भी हमें क्या पता चल रहा है, ये जो लाइंस है उससे हमें ये पता चल रहा है कि उस समय जो रिवॉल्यूशन हो रहा था यानी 1830 से 1848 के बीच में जो भी रिवॉल्यूशंस हो रहे थे उसमें मेजरली दो आइडियाज थे, एक था लिबरलिज्म और दूसरा था नेशनलिज्म। अब आगे बढ़ते हैं। These revolutions were led by the liberal nationalists belonging to the educated middle class elite, among whom were the professors, school teachers, clerks and members of the commercial middle class. So 1830 से 1848 के बीच में जो revolutions हो रहे थे, ठीक है, उन्हें organize करने वाला कौन था भाई, तो liberal nationalist। कौन थे? Liberal nationalist यानी जो liberalism और nationalism के idea को फॉलो करते थे। सो रिवॉल्यूशंस कैरी आउट करने वाले लिबरल नेशनलिस्ट थे जो कि कंसिस्ट करते थे किसको भाई, प्रोफेसर्स, स्कूल टीचर्स, क्लर्क्स, मेंबर्स ऑफ कमर्शियल क्लास, इसमें भाई आपका बिजनेसमैन, ट्रेडर्स, ये सारे लोग आ गए। अगर आप इन ग्रुप्स को देखो, प्रोफेसर, स्कूल टीचर, क्लर्क्स, बिजनेसमैन, ट्रेडर्स, इन सारे ग्रुप को अगर आप देखोगे तो पता चलेगा कि भाई ये एजुकेटेड है, ठीक है, और साथ ही ये सोसाइटी की अच्छी परख रखते हैं, ठीक है, सोसाइटी के बारे में अच्छा नॉलेज रखते थे, और साथ ही ये तो ना ज्यादा अमीर हुआ करते थे ना ज्यादा गरीब हुआ करते थे। इस वजह से इस ग्रुप को नाम दिया गया था एजुकेटेड मिडिल क्लास। सो 1838 से 1848 के बीच में जो भी रिवॉल्यूशंस हुआ वो एजुकेटेड मिडिल क्लास लोगों ने किया जो कि लिबरलिज्म और नेशनलिज्म के आइडिया को फॉलो करते थे। तो इस पैराग्राफ से हमने क्या देखा कि भाई रिवॉल्यूशन का नेचर क्या था, और साथ ही जो रिवॉल्यूशंस कर रहे थे, जो रिवॉल्यूशन को कैरी आउट कर रहे थे, उनका बैकग्राउंड क्या था, ठीक है। तो इस पैराग्राफ के थ्रू हमने ये चीज क्लियर कर लिया। अब समझते हैं आगे। द फर्स्ट अपवील टुक प्लेस इन फ्रांस इन जुलाई 1830। सो पहला रिवॉल्यूशन जो हुआ 1830 से 1848 के बीच के टाइम स्पैन का, सबसे पहला रिवॉल्यूशन जो हुआ वो कहां हुआ, फ्रांस में हुआ। कहां हुआ? फ्रांस में हुआ। कब हुआ? जुलाई 1830। यानी इस टाइम स्पैन में जो रिवॉल्यूशन होने का जो सिलसिला था वो कहां से शुरू हुआ था,
कहां से स्टार्ट हुआ था, तो फ्रांस से हुआ था, और रिवॉल्यूशन क्या था भाई, तो जुलाई में हुआ था 1830 में, ठीक है। तो अब हम देखेंगे कि भाई ये जो रिवॉल्यूशन हुआ उसका आउटकम क्या आया था, रिजल्ट क्या आया था, ठीक है। द बॉर्बन किंग्स हु हैड बीन रिस्टोर्ड टू पावर ड्यूरिंग द कंजर्वेटिव रिएक्शन आफ्टर 1815 वर नाउ ओवरथ्रोन बाय द लिबरल रिवॉल्यूशनरीज, ठीक है। सो सबसे पहला रिजल्ट क्या आया कि बॉर्बन डायनेस्टी, जिसे ट्रीटी ऑफ वियना से वापस फ्रांस की गद्दी थमाई गई थी, जिसे कंजर्वेटिव्स ने फ्रांस का जो पावर था वो फिर से दिया था, उसे क्या किया गया, बॉर्बन डायनेस्टी को फिर से क्या किया लिबरल नेशनलिस्ट ने, भाई फ्रांस से हटा दिया, फ्रांस से ओवरथ्रोन कर दिया गया। फिर उसके बाद क्या हुआ भाई वो देखते हैं। सो लिबरल रिवॉल्यूशनरीज हु इंस्टॉल्ड अ कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की विद लुईस फिलिपी एट इट्स हेड। सो दूसरा हुआ कि भाई अब बॉर्बन डायनेस्टी को हटा दिया गया था, ठीक है, बॉर्बन डायनेस्टी को हटा दिया गया था, इसका मतलब क्या था कि जो मोनार्कियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट था जिसका नेचर क्या था ऑटोक्रेटिक, उसको फ्रांस से फिर वो खत्म कर दिया गया था और कंस्टिट्यूशनल मोनार्की लेकर आया गया था। यहां पर टर्म आया है कंस्टिट्यूशनल मोनार्की। कंस्टिट्यूशनल मोनार्की में दो शब्द छुपे हुए हैं, पहला क्या है कंस्टिट्यूशन यानी संविधान, और मोनार्की यानी राजा का शासन यानी राजतंत्र। तो अब क्या था, इस टर्म के अकॉर्डिंग राजा एक कंस्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग रूल करेगा, यानी राजा को गाइड करने के लिए एक कंस्टिट्यूशन रहेगा। पहले जो राजा हाईएस्ट अथॉरिटी हुआ करते थे, ठीक है, उनका पावर कैसा हुआ करता था भाई, तो ऑटोक्रेटिक हुआ करता था, मींस उनके पावर को लेकर कोई भी ना सवाल कर सकता ना कोई जवाब करेगा, ठीक है। तो अब उस राजा के पावर को कंट्रोल करने के लिए कौन आ गया था, कंस्टिट्यूशन आ गया था, यानी एक तरह से कहें तो कंस्टिट्यूशन जो मोनार्क का पावर था उसको लिमिट कर रहा था। तो इससे क्या पता चल रहा है कि अब राजा से भी कोई हाईएस्ट अथॉरिटी था, ठीक है, राजा को भी चेक करने वाला कोई था, कंट्रोल करने वाला कोई था, और वो कौन था, कंस्टिट्यूशन, ठीक है। तो इस तरह से हमें क्या पता चल रहा है कि राजा का जो पहले सुपरमेसी हुआ करता था वो अब क्या हुआ, कम हो गया। तो भाई अब क्या था, तो उसी तरह से लुईस फिलिपी जो थे वो नाम के राजा थे, काम उन्हें करना था कंस्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग, जिसे किसने ड्राफ्ट किया था, तो भाई लिबरल नेशनलिस्ट ने ड्राफ्ट किया था। तो ये पॉइंट क्लियर हो गया। तो ये दूसरा आउटकम आया जुलाई रिवॉल्यूशन का, जो कि 1830 में हुआ था। अब दूसरा देखते हैं। When France sneezes, Metternich once remarked, the rest of Europe catches cold. So यहाँ पे ड्यूक मेटर्निक का एक स्टेटमेंट दिया गया हमें, ठीक है, एक स्टेटमेंट ड्यूक मेटर्निक ने दिया था। ड्यूक मेटर्निक कौन थे, वियना कांग्रेस के हेड, जो ऑस्ट्रियन चांसलर थे, ठीक है। तो उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया कि जब फ्रांस छींकता है, when France sneezes, the rest of Europe catches fire, जब फ्रांस छींकता है तो पूरा यूरोप जो है, पूरे यूरोप को सर्दी जुखाम हो जाता है। तो भाई आप सोचोगे कि बीमारी की बात कहां से आ गई, ये हिस्ट्री में पढ़ते पढ़ते बीमारी कहां से आ गया, तो ये बीमारी के बारे में नहीं बात किया जा रहा है। यहां पर हमें इस स्टेटमेंट का हिडन मीनिंग समझना है कि ड्यूक मेटर्निक आखिर कहना क्या चाहते थे। ड्यूक मेटर्निक ये कहना चाहते थे कि जब भी कुछ फ्रांस में होता है, जब भी कोई इवेंट फ्रांस में होता है, तो इसका इफेक्ट जो है, ठीक है, वो पूरे यूरोप पर देखने को मिलता है, ठीक है, यानी जब भी कुछ फ्रांस में होता है तो उसका प्रभाव पूरे यूरोप पर देखने को मिलता है। और इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल अगर हम कहें तो फ्रेंच रिवॉल्यूशन है। भाई फ्रेंच रिवॉल्यूशन हुआ तो फ्रांस में था, ठीक है, बट इसका प्रभाव, जो फ्रेंच रिवॉल्यूशन का आइडियाज था वो पूरे यूरोप में स्प्रेड किया था। तो ये सबसे अच्छा एग्जाम्पल है, कह सकते हैं, इस स्टेटमेंट को समझने के लिए। अब आगे बढ़ते हैं। द जुलाई रिवॉल्यूशन स्पार्क्ड एन अपराइजिंग इन ब्रुसेल्स विच लेड टू बेल्जियम ब्रेकिंग अवे फ्रॉम द यूनाइटेड किंगडम ऑफ द नीदरलैंड। तो जुलाई रिवॉल्यूशन हुआ फ्रांस में, जुलाई रिवॉल्यूशन हुआ, और उससे क्या हुआ, जुलाई रिवॉल्यूशन से इंस्पायर होकर, ठीक है, बेल्जियम में भी एक रिवॉल्यूशन हुआ, ठीक है, बेल्जियम मतलब बेल्जियम का जो ब्रुसेल्स सिटी था वहां पर भी एक रिवॉल्यूशन हुआ, जिसका आउटकम क्या आया भाई कि जो द यूनाइटेड किंगडम ऑफ नीदरलैंड, यूनाइटेड किंगडम ऑफ नीदरलैंड से बेल्जियम अलग हो गया, ठीक है। तो जुलाई रिवॉल्यूशन से इंस्पायर होकर बेल्जियम में एक क्या, ब्रुसेल्स में एक रिवॉल्यूशन हुआ, जिसका रिजल्ट ये आया कि बेल्जियम जो एक पार्ट था यूनाइटेड किंगडम ऑफ नीदरलैंड का, वो अब उससे
अलग हो गया। तो अगर हम से एक तरह से हम रिकॉल करते हैं फ्लो चार्ट की मदद से कि भाई जुलाई रिवॉल्यूशन जो फ्रांस में हुआ वो किस तरह का इम्पैक्ट क्रिएट किया, वो एक बार हम रिकॉल करते हैं फ्लो चार्ट की मदद से। सबसे पहला रिजल्ट क्या आया था कि बॉर्बन डायनेस्टी वॉज ओवरथ्रोन। दूसरा आउटकम क्या हुआ था? दूसरा आउटकम हुआ था कि कंस्टिट्यूशनल मोनार्की को प्रैक्टिस किया गया था यूरोप में, जिसके हेड कौन थे? लुई फिलिपी थे। और तीसरा आउटकम ये हुआ था, एक तरह से कहें तो इम्पैक्ट क्रिएट किया था कि ट्रिगर किया था रिवॉल्यूशन को, कहां? तो ब्रुसेल्स में, जिसकी वजह से क्या हुआ था कि बेल्जियम जो था वो नीदरलैंड से अलग हो गया था। ओवरऑल ये सारे चेंजेस जुलाई रिवॉल्यूशन से आया था, ठीक है? अब आगे बढ़ते हैं। An event that mobilized nationalist feeling among the educated elite across Europe was the Greek War of Independence. यहाँ पे ध्यान देना है Greek War of Independence पे। So यहाँ पर एक ऐसा incident का example दिया गया है जो कि nationalist feeling जो था, जो nationalist feeling था middle class, educated middle class लोगों के अंदर कि भाई nation state बनाना है, जो desire था nation state बनाने का, उसको और भी strong एक ऐसा इंसिडेंट किया, और वो इंसिडेंट था द ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, यानी
कि ग्रीक जो का जो स्वतंत्रता संग्राम था, ग्रीस जिस तरह से स्ट्रगल किया था अपने आजादी को पाने के लिए, ये जो इवेंट था ये लोगों के लिए एक सोर्स ऑफ मोटिवेशन उभर कर आया था। किसके लिए? वो भी तो भाई जो नेशनलिस्ट फीलिंग को रखते थे, यानी एजुकेटेड मिडिल क्लास के लिए। तो अब हम जानने की कोशिश करते हैं कि भाई ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस क्या था। तो उससे पहले हम थोड़ा जानते हैं ग्रीस के बारे में कि ग्रीस भाई उस समय उसके कंडीशन क्या थे। ग्रीस हैड बीन अ पार्ट ऑफ ओटोमन एम्पायर सिंस द 15th सेंचुरी। ग्रीस जो था वो ओटोमन एम्पायर का एक पार्ट था। ग्रीस ओटोमन एम्पायर का एक पार्ट था जो आज प्रेजेंट डे टर्की है उसके कंट्रोल में था, यानी ओटोमन एम्पायर के कंट्रोल में था ग्रीस। कब से भाई? तो 15th सेंचुरी से। आगे बढ़ते हैं। द ग्रोथ ऑफ रिवॉल्यूशनरी नेशनलिज्म इन यूरोप sparked off a struggle for independence amongst the Greeks which began in 1821. तो जैसे जैसे नेशनलिज्म की फीलिंग जो थी, नेशनलिज्म का ग्रोथ हो रहा था यूरोप में, जैसे जैसे नेशनलिज्म के आइडिया का, नेशन स्टेट के आइडिया का ग्रोथ हो रहा था यूरोप में, वैसे वैसे जो ग्रीक नेशनलिस्ट थे, यानी जो ग्रीस को एक नेशन स्टेट में कन्वर्ट करना चाहते थे, तो वही जो ग्रीक नेशनलिस्ट थे उनका मनोबल बढ़ रहा था। वो भी इंस्पायर हो रहे थे कि भाई अब हमें भी अपने जो ग्रीस है उसको किसमें चेंज करना है, एक नेशन स्टेट में कन्वर्ट करना है। और इनका जो स्ट्रगल था नेशन ग्रीस को नेशन स्टेट में कन्वर्ट करने के लिए, जो संघर्ष था, जो स्ट्रगल था, वो कब शुरू हुआ? तो 1821 में शुरू हुआ। अब आगे बढ़ते हैं। नेशनलिस्ट इन ग्रीस गॉट सपोर्ट फ्रॉम दी अदर ग्रीक्स लिविंग इन एग्जाइल। ठीक है, तो भाई जो ग्रीक नेशनलिस्ट थे उनको सपोर्ट किसका मिला? ग्रीक्स का ही मिला। ठीक है, जो कि कहां थे? एग्जाइल्ड थे, यानी उन ग्रीक्स से मदद मिला ग्रीक नेशनलिस्ट को जिन्हें टेरिटरी से बहिष्कृत कर दिया गया था, यानी टेरिटरी से ऑटोमन एम्पायर से बाहर निकाल दिया था। तो उन्हीं एग्जाइल्ड ग्रीक्स ने ग्रीक नेशनलिस्ट को सपोर्ट किया उनके वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस में। अब आगे बढ़ते हैं, और किन लोगों ने सपोर्ट किया? And also from many Western Europeans who had sympathized for ancient Greek culture. तो और Western European, यानी West part में जो Europeans रह रहे थे, उन लोगों ने भी Greeks को favor किया उनके War of Independence में। ठीक है, क्यों? Reason ये था कि जो Greek culture था, ठीक है, जो ancient Greek culture था, उसके लिए ये जो वेस्टर्न यूरोपियंस थे वो एक सॉफ्ट कॉर्नर रखते थे। एक तरह से कहें तो उन्हें ग्रीस की जो संस्कृति थी उससे लगाव था, तो यही रीजन बना सपोर्ट का। तो इस वजह से वेस्टर्न जो यूरोपियंस थे उन लोगों ने नेशनलिस्ट जो थे ग्रीस के उसको मदद किया। और फिर पोएट एंड आर्टिस्ट लॉडेड ग्रीस एज द क्रेडल ऑफ यूरोपियन सिविलाइजेशन। सो ग्रीस की प्रशंसा भाई पोएट्स एंड आर्टिशियंस ने की। जो पोएट्स थे यानी कवि जो थे और आर्टिशियंस जो कलाकार थे, उन लोगों ने ग्रीस की प्रशंसा की, ग्रीस को अप्रिसिएट किया। और भाई कैसे? तो द क्रेडल ऑफ यूरोपियन सिविलाइजेशन कहकर। ठीक है, अब समझना है कि ऐसा क्यों कहा, क्रेडल ऑफ यूरोपियन सिविलाइजेशन क्यों कहा। देखिए, ग्रीक एक ऐसा रीजन था, एक ऐसा मतलब कहीं टेरिटरी था जो अपने फ्रंटियर को यूरोप से भी शेयर करता था, जिसकी वजह से यूरोपियन सिविलाइजेशन जो हुआ था उसका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट था ग्रीस। यानी एक तरह से कहें जो यूरोपियन सोसाइटी का जो संस्कृति और सभ्यता का जो उत्पत्ति हुआ, वो उसमें उसका एक इंपॉर्टेंट पार्ट था ग्रीस। इस वजह से भी जो यूरोपियंस थे, ठीक है, वो काफी कनेक्टेड थे ग्रीस से, क्योंकि भाई उनका डेवलपमेंट का जो एक तरह से कहें डेवलपमेंट का प्रूफ था ग्रीस। ठीक है, क्योंकि भाई वहीं से उनका सिविलाइजेशन शुरू हुआ था, तो इस वजह से वो काफी कनेक्टेड थे, जो यूरोपियंस थे वो काफी कनेक्टेड थे ग्रीस से। और इस वजह से जो ये वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस था, जो स्ट्रगल ग्रीस कर रहा था, ठीक है, उसको वो लोग सपोर्ट कर रहे थे। और उस समय कहें तो ग्रीस एक ऐसा इंपॉर्टेंट देश था जहां पर डिस्कवरर्स हुआ करते थे, यानी नॉलेज के मामले में भी, ठीक है, एजुकेशन के मामले में भी उस समय ग्रीस काफी अलग था, मतलब काफी आगे था और कला संस्कृति से काफी भरा हुआ था। तो इस वजह से जो पोएट आर्टिशियंस ये सारे थे, ये सारे मिलकर ग्रीस को सपोर्ट कर रहे थे। अब भाई ग्रीस को पोएट्स और आर्टिशियंस ने कैसे सपोर्ट किया तो वो भी समझना है। एंड मोबिलाइज्ड पब्लिक ओपिनियन टू सपोर्ट
स्ट्रगल अगेंस्ट मुस्लिम एम्पायर. तो पोएट्स और आर्टिशियंस ने क्या किया कि लोगों को इकट्ठा करने लगे, ठीक है, लोगों को वो इकट्ठा करने लगे, एक मास वो तैयार करने लगे ताकि जो ग्रीस है वो ओटोमन एम्पायर के कंट्रोल से बाहर आ सके, जो मुस्लिम एम्पायर था ओटोमन उससे बाहर निकल सके, एक इंडिपेंडेंट स्टेट बनकर उभरे. ये उनका एक तरह से कहे तो मोटिव था लोगों को इकट्ठा करने के पीछे. द इंग्लिश पोएट लॉर्ड बायरन ऑर्गेनाइज फंड्स एंड लेटर वेंट टू फाइट इन द वॉर वेयर ही डाइड ऑफ फीवर इन 1824. सो यहाँ पे लॉर्ड बायरन की बात की गई है. लॉर्ड बायरन यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है जो कि इंग्लिश पोएट थे. इनके कंट्रीब्यूशन के बारे में यहाँ पर बात किया. इनका एक बहुत ही बड़ा योगदान रहा है ग्रीस के वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस में, यानी ग्रीस से जो संघर्ष ग्रीस कर रहा था उसमें इन्होंने अपना बहुत बड़ा योगदान दिया था. भाई क्या किया था, तो इन्होंने फंड इकट्ठा किया था, ठीक है, फंड को ऑर्गेनाइज किया था जिससे धन एक तरह से कहें तो इकट्ठा किया था ताकि ग्रीस जो है वो अपने वॉर को लड़ सके. और बाद में ये वॉर्स भी लड़ने गए थे, ठीक है, वॉर्स को भी लड़ना चाहते थे. बट अनफॉर्चुनेटली क्या होता है कि फीवर से 1824 में इनका डेथ हो जाता है, ठीक है. पर तब भी कंट्रीब्यूशन तो कंट्रीब्यूशन है, इन्होंने एक बहुत बड़ा योगदान दिया था ग्रीस वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस में. फाइनली द ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल of 1832 recognized Greece as independent nation. So इतना लोग जो effort लगा रहे थे, nationalist effort लगा रहे थे और इधर से भी जो उन्हें support कर रहे थे वो इतना effort लगा रहे थे कि lastly treaty of Constantinople से जो कि 1832 में हुआ था, इसमें क्या किया गया कि Greece को proclaim कर दिया गया as a independent नेशन, ठीक है. क्या किया गया भाई कि ग्रीस अब एक क्या है, राष्ट्र है, वो इंडिपेंडेंट है, उसके ऊपर कोई एक्सटर्नल पावर नहीं है. ये लास्टली क्या किया गया, प्रूव कर दिया गया कि भाई अब ग्रीस एक राष्ट्र बन गया है. तो अब क्या हो रहा था ना कि प्रैक्टिकली एक रीजन राष्ट्र बनकर उभरा था, तो जिससे जो लिबरल नेशनलिस्ट थे उनका जो नेशन स्टेट का आइडिया था, ठीक है, नेशन स्टेट का जो आइडिया था, लिबरलिज्म का जो आइडिया था, वो और भी स्ट्रांग हो रहा था क्योंकि अब उन्हें एक लाइव एग्जांपल देखने को मिल रहा था. भाई ग्रीस नेशन स्टेट में कन्वर्ट हो चुका था, तो ये क्या था, उनके लिए एक मोटिवेशन था, सोर्स ऑफ मोटिवेशन था. अब उनके दिमाग में चल रहा था कि ग्रीस अगर स्ट्रगल करके नेशन स्टेट में कन्वर्ट हो सकता है तो हम क्यों नहीं. तो ये बहुत बड़ा कह रहे, एक तरह से कहे तो जो ये ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस था ना, वो एक तरह से डिजायर ऑफ नेशन स्टेट और लिबरलिज्म के आइडिया को बहुत ही ज्यादा यूरोप में एक्सेलरेट कर रहा था, ठीक है. तो एक बार हम लोग रिकॉल कर लेते हैं कि भाई ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस कैसे हुआ. तो जैसे नेशनलिज्म का ग्रोथ हो रहा था यूरोप में, वैसे वैसे जो ग्रीक नेशनलिस्ट थे वो भी क्या हो रहे थे भाई, प्रोत्साहित हो रहे थे, इंस्पायर्ड हो रहे थे, जिसकी वजह से उन्होंने वॉर को एज अ मोड ऑफ स्ट्रगल चुना. उन्होंने उन लोगों को, ग्रीक नेशनलिस्ट को बहुत सारे लोगों का सपोर्ट मिला, जिसमें कौन थे भाई, पोएट्स एंड आर्टिशियंस थे, वेस्टर्न यूरोपियंस थे, एग्जाइल्ड ग्रीक थे. और यहाँ पर आपको भूलना नहीं है लॉर्ड बायरन के कंट्रीब्यूशन को, इसको दम दिमाग में सेट करके रखना है, ठीक है. तो इस तरह से सपोर्ट मिला. और लास्टली क्या हुआ भाई, ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल से जो कि 1832 में हुआ था उसके तहत प्रोक्लेम कर दिया गया ग्रीस को एक इंडिपेंडेंट नेशन. सो अब आप देख सकते हो कि यूरोप में अब क्या हो रहा है, एक तरह से नेशन स्टेट में अब रीजंस जो है वो कन्वर्ट होना शुरू हो गए थे. तो आई होप ये टॉपिक क्लियर हो गया हो और इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस होंगे आपको असाइनमेंट में अवेलेबल करवा दिए जाएंगे.